आज संजय निरुपम के विवादित बोल क्या कहा है जरा वो भी आप सुनिए। संजय निरुपम भी अब पेरिस में आ गए। कांग्रेस नेता है संजय निरुपम, उन्होंने क्या कहा। निरुपम ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की है। पीएम मोदी को निरुपम ने औरंगजेब बता दिया। देखिए कहां पर राजनीति का स्तर पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी को निरुपम ने औरंगजेब कहा। औरंगजेब का आधुनिक अवतार है मोदी। जो औरंगजेब नहीं कर पाया वो कसर मोदी पूरा कर रहे हैं। मोदी ने सैकड़ों मंदिरों को तोड़वाया, कॉरिडोर बनवा दिया और सैकड़ों मंदिरों को तोड़वाया। जो काम औरंगजेब नहीं कर पाया वो काम पूरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और औरंगजेब का आधुनिक अवतार बताया है प्रधानमंत्री मोदी को। यहाँ के लोगों ने जिस व्यक्ति को चुना वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है, क्योंकि बनारस में कॉरिडोर के नाम पे जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में मंदिरों को तुड़वाया गया मोदी जी के इशारे पे, और जिस तरीके से मोदी जी के इशारे पे यहाँ पर मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 550 रुपए का फीस लगाया गया है, फाइन लगाया गया है, चार्ज लगाया गया है, वह इस बात का सबूत है कि जो काम औरंगजेब नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इसी पर अब कांग्रेस के प्रवक्ता हिलाल नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता है मनीष शुक्ला, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वाराणसी से रोहित है मेरे सहयोगी, वो भी जुड़े हुए हैं। रोहित के पास बाद में जाऊंगी, लेकिन हिलाल नकवी सबसे पहले आपके पास। मोदी विरोध के लिए क्या मर्यादा भूल गए हैं कांग्रेस के नेता, आवाज आ रही है आप तक? देखिए जहाँ तक इसका सवाल उठता है विरोध के लिए मर्यादा भूल गए हैं, तो किसी को भी हमने जो है किसी की संतान नहीं कहा है। ये नहीं कहा है बाबर की संतानों, बाबर की औलादों, इत्ता के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। एक कार्य जिससे कि वहाँ के पर मंदिर जिस तरह से ध्वस्त किए गए हैं उसका विरोध किया गया है और उसकी तुलना की गई है कि इसी तरह से औरंगजेब ने किया था। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं। चुनाव जीतने के लिए वोटों के लिए हिलाल नकवी ऐसे शब्दों का सहारा आप लोग लेंगे? कैसे शब्द, कैसे शब्द? औरंगजेब कह दिया आपने, उन्होंने, आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आधुनिक अवतार है मोदी औरंगजेब का। जी जी भाई, उन्होंने मंदिर तोड़े थे, नहीं तोड़े थे औरंगजेब ने, यही तो उनके पर है पूरा का पूरा। जो उनके कार्य है उसके अंदर कहा है वो है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, वही काम जो है वो मोदी जी ने किए हैं। तो वही बात कही गई है कि और आधुनिक अवतार रूप में, बल्कि वो यहाँ तक कि जो काम उन्होंने नहीं किया था, औरंगजेब ने जो काम नहीं किया था वो काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री। मैं पूछती हूँ ना मनीष शुक्ला, आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है। कांग्रेस के संजय निरुपम कह रहे हैं कि आधुनिक अवतार है औरंगजेब के मोदी, दरअसल और उसको गलत भी नहीं मानते प्रवक्ता कांग्रेस के हिलाल नकवी कह रहे हैं कि एकदम सही कहा है संजय निरुपम ने। देखिए कांग्रेस को भारतीय संस्कृति सभ्यता से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। वहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को उन्होंने मंदिर तोड़ना बता दिया। ये वो लोग हैं जो राम को काल्पनिक पुरुष मानते हैं, राम सेतु को तोड़ने की बात करते हैं, पूरे हिंदू मंदिर चाहते हैं। शशि थरूर इन्हीं के दल के नेता हैं, तो शशि निरुपम जी का ये कहना निश्चित रूप से, वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं और बाबा विश्वनाथ और काशी की जनता और उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने सुना है उन्होंने क्या कहा है। हिलाल नकवी साहब अपने शब्दों के जाल से उसको सही ठहरा सकते हैं, ठहरा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं मुझे, लेकिन देश की जनता समझदार है, वो समझती है कि किस वे में किस बात को कहा गया है। चलिए ठीक है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ वोटों के लिए, चुनाव जीतने के लिए बेहद शर्मनाक है और पार्टी कोई भी हो इससे अछूती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल नकवी आपका भी, मनीष शुक्ला आपका भी, और मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार। पार्टी जो है वो गाली के मवालियों की महफिल बनती जा रही है। हर गाली का मवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुन चुन करके भद्दे और बेहुदा शब्दों का मोदी जी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एक बात समझ लेना चाहिए इन गाली के मवालियों को कि जितनी ये गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं, जितनी गाली ये भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, जनता उसको संभाल कर रख रही है। अब आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर है। तेज बहादुर